हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में 2 मीटर कपड़ा में सलवार का कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे 4 फोल्ड करके कपड़ा को बिछा लिए हैं। इसका फुल लेंथ है मेरा 36 इंच का, तो हम यहाँ पे 32 इंच ले रहे हैं। चूँकि हम बेल्ट बनाएंगे 5 इंच का, तो ये हमारा हो जाएगा 36 का। तो 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वैसे 35 इंच होता है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिए, सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, तो 32 हो गया। दोनों साइड हम 32 करके निशान लगाए और फिर हम इन दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। निशान लगा लेने के बाद हम यहाँ पे पहले मोहरी को बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले कपड़ा को कट करके साइड कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इस कपड़ा पे भी बना सकते हैं बेल्ट को, पर हम यहाँ पे बेल्ट दूसरा कपड़ा पे बनाएंगे। इसका जो ऊपर का कपड़ा है उसी में बनाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे बंद वाला जो मेरा है उस साइड से हम 7 इंच पे निशान लगाए मोहरी के लिए, और फिर हम इस तरह से टेप को रखेंगे, उसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ पर हम एक निशान बना देंगे। और यहाँ से हम जहाँ पे हम मोहरी लगाए थे वहाँ तक हम इस निशान को तिरछा इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सीधी तिरछी लाइन खींच देंगे। और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप सलवार का कटिंग करते हैं तो आपको समझने में भी आसानी होगी और बनाने में भी। तो देखिए, जो हम कट किए थे उस कपड़ा को इस साइड पर रख देंगे, इससे हमारा थोड़ा सा सलवार का घेर ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे हम कट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इससे सीधी लाइन खींच देंगे और फिर थोड़ा सा हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। ये हमारा आसन बन गया। अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा कट हो गया है, तो ये मेरा कटिंग हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बेल्ट बनाना है। तो इसे अभी हम साइड में रख देंगे। और देखिए, यहाँ पे हम बेल्ट के लिए लिए हैं ऊपर का कपड़ा, तो जितना भी आपका हिप है उसका हाफ निकालेंगे। उसके बाद हम आपको यहाँ पे 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो ये टोटल हमारा 22 इंच हो गया और ऊपर से हम 7 इंच लिए हैं। जब हम इसे फोल्ड करेंगे तब ये 5 इंच हो जाएगा। तो चलिए, अब हम इसे स्टिच करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट बनाएंगे। तो इस साइड पर हमें पहले जॉइंट कर लेना है। जॉइंट हो जाने के बाद हम यहाँ पे और एक स्टिच कर दे रहे हैं ताकि ये मजबूत हो जाए। और अब हम यहाँ पे डेढ़ इंच जितना लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले स्टिच करेंगे, उसके बाद हम 1 इंच जितना छोड़ देंगे, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हम नाड़ा को घुसाने के लिए छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा स्टिच हो गया है। अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे और फिर हम थोड़ा सा अंदर की ओर मोड़ के इस साइड पे स्टिच कर देंगे। तो देखिए, ये दोनों साइड मेरा स्टिच हो गया है, ये कितना फिनिशिंग के साथ हुआ है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की ओर मोड़ेंगे और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये कितना है। हमें 5 इंच रखना है, मतलब 5.5 इंच, मतलब 5.5 इंच हमें यहाँ पे रखना है। 1/2 इंच मेरा सिलाई में चल जाएगा जब हम घेर को बनाएंगे उस टाइम।
और अब हमें इसी तरह से पूरा में ही स्टिच कर देना है। बेल्ट हमारा बन के लिए रेडी हो गया है। अब हम नीचे का को बनाएंगे, तो देखिए इस तरह से आपको एक पार्ट को पहले लेना है और इसका सीधा उल्टा साइड को हमें यहाँ पे देख के लेना है। उल्टा साइड को हमें ऊपर की ओर रखना है और सीधी साइड को हमें आमने सामने रखना है, फिर हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो ये मेरा कपड़ा इस साइड वाला कपड़ा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट ही सिलाई कर रहे हैं, नहीं तो हमें मोड़ के करना पड़ता। तो देखिए यहाँ पे हम डबल स्टिच कर दे रहे हैं मजबूती रखने के लिए। तो इसी तरह से हमें ये वाला भी स्टिच कर देना है। तो इस तरह हमें मिला के रखना है और फिर यहाँ पे भी हम डबल स्टिच कर देंगे। तो ये मेरा स्टिच हो गया है दोनों साइड। अब हम यहाँ पे मोहरी को बनाएंगे, तो इसके लिए हम इस तरह से बुकरम ले लिए हैं और फिर हम यहाँ पे इस तरह से मोड़ेंगे। हमें ये उल्टी साइड पे मोड़ना है, सीधी साइड मेरा नीचे है। इसी तरह से हमें पूरा में ही स्टिच कर देना है। फिर अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे और फिर हम यहाँ पे और एक सिलाई कर देंगे। सिलाई हो जाने के बाद हम फिर से एक बार यहाँ पे स्टिच कर देंगे और फिर आपको जैसा भी डिज़ाइन चाहिए आप वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से सिंपल ही बना रहे हैं। तो इस तरह से हम पहले चौक में मार्क कर दे रहे हैं आप लोग को दिखाने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट भी हम यहाँ पे कर सकते थे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जहाँ जहाँ मार्क किया हुआ है वहाँ पे हमें स्टिच कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा स्टिच हो गया है और डिज़ाइन मेरा बन गया है। इसे हमें उल्टी साइड पे करना है ताकि चौक का निशान ना दिखे। तो दोनों पैर बन जाने के बाद हम इस तरह से दोनों को आमने सामने रखेंगे सीधी साइड को और फिर हम इसे स्टिच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें मोड़ के स्टिच करना है। तो पहले हम थोड़ा सा नीचे वाला कपड़ा को बढ़ा के रखे हैं हाफ इंच से थोड़ा सा कम और फिर हम इसे स्टिच कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच हो जाने के बाद हम इसे इस तरह से फिर से एक बार अंदर की ओर मोड़ के स्टिच कर देंगे। तो इससे हमारा मजबूती भी हो जाता है और अच्छा भी दिखता है। तो इसी तरह से हम दोनों जॉइंट को कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा से फिनिशिंग हुआ है, कितना सुंदर दिख रहा है और ये मजबूत भी हो गया। तो दोनों को हम स्टिच कर लिए थे, अब हम यहाँ पे बेल्ट के साथ जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम मोड़ के इसका सेंटर को निकालेंगे और अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए अभी हम पीछे साइड करेंगे, तो यहाँ पे हम ज़्यादा चुन्नट नहीं डालेंगे, बस हमें यहाँ पे सेंटर पे इसे रखना है और फिर हमें इसे थोड़ा सा
एक ही देना है यहाँ पे चुन्नट। जितना हम उस साइड लेंगे उतना ही कपड़ा हमें इस साइड भी लेना है। तो इस तरह से हमें लेना है और फिर हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें मिला के रखना है, फिर यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे। बस हमें इस साइड पीछे साइड इतना ही करना है। अब हम फ्रंट की ओर स्टिच करेंगे, चुन्नट बनाएंगे। तो देखिए हम दोनों का सेंटर को आमने सामने रखेंगे और देखिए इसे हमें इस तरह से रखना है। एकदम सेंटर को मिलाते हुए हमें यहाँ पे रखना है और उस साइड से भी हम इसी तरह से थोड़ा सा एक अभी चुन्नट ले रहे हैं, बाद में हम और लेंगे। बस हम यहाँ पे मिलाने के लिए इतना ले रहे हैं, उसके बाद हम इस साइड भी सेम उतना ही लेंगे ताकि हमारा चुन्नट ज़्यादा छोटा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम उस साइड पे भी एक लेके इसे स्टिच कर रहे हैं। और फिर हम जितना लिए हैं उस साइड उतना ही हम लेते जाएंगे। इसी तरह से हम करते जाएंगे और देखिए यहाँ पे मेरा इतना चुन्नट हो गया है। अब हम एक बार इस साइड मिला के देखेंगे कि हम मेरा कपड़ा कितना है, उसी हिसाब से हमें चुन्नट को लेना है। तो देखिए यहाँ तक मेरा चुन्नट हो गया। अब हम यहाँ पे सीधी स्टिच कर देंगे। तो देखिए इतना स्टिच हो गया है। अब हम यहाँ पे इस साइड घुमा लेंगे और फिर हम इस साइड भी चुन्नट डालेंगे जैसा हम उस साइड पे डाले थे। तो देखिए एक चुन्नट हम पहले ही डाले थे, फिर अब हम और डालते जाएंगे और सेम हम उसी तरह से बनाएंगे। इस साइड पे भी हमारा चुन्नट बन गया है। अब हम इसे दिखाते हैं कि ये कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पे बना है। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर दिख रहा है। और ये है इसका उल्टा साइड और ये है इसका सीधी साइड। तो देखिए ये मेरा स्टिच हो गया है। अब हम इसका मोहरी को मिलाएंगे। जितना भी आपको यहाँ पे रखना है 6 इंच 7 इंच, तो हम यहाँ पे 6.5 रख रहे हैं। तो दोनों को हमें इस तरह से मिला के रखना है और फिर हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा लेना है। और फिर हमें स्टिच कर देना है। तो सेम हम दोनों साइड पे ही स्टिच करेंगे इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे मेरा स्टिच किया हुआ हो गया है। और अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से मार्जिन रखना है और फिर हम एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा सलवार बनके कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।